बबलू जी, आपके हाथ में ये पंपलेट देख रहे हैं जी, और क्या आपने भी नॉमिनेशन किया है? जी सर। किस पार्टी से नॉमिनेशन किया? हमारी पार्लियामेंट पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी का है, जो भीमराव अम्बेडकर जी इस पार्टी का सुचालन किया था, चालू किया था, और बाद में जाके इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पार्टी से हूँ, और केंद्र बीजेपी में गठबंधन में है ये। खजौली विधानसभा में कितने उम्मीदवार है, इसकी जानकारी आपको है? जी 22 उम्मीदवार है। 22 है। बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हैं मैदान में, और उस बीच में आप भी खड़े हैं, क्या उम्मीद लेकर खड़े हैं कि आप जीत पाएंगे? देखिए, जनता के बीच जाना है और जनता को बताना है कि कौन उनके लिए सही सेवक होगा। जनता ने सबको देखा है, लालटेन को भी देखा है, फूल को भी देखा है, और जनता थक चुकी है कि किसी ऐसे उम्मीदवार को लाया जाए जो वास्तव में काम करे। मैं आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से, आप किसी क्राइम सस्पेंस के माध्यम से जो बहुत प्रचलित है, बहुत हर जगह रहती है आपके चैनल, उसके माध्यम से आपने भी देखा है कि हमने गांव-गांव जाके कोरोना काल में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर बांटे, लोगों के बीच में कॉपी किताब पेंसिल का वितरण किया। तो मैं अपने काम पे वोट मांगता हूँ, दिखावे पे नहीं मांगता हूँ, भीड़ इकट्ठा नहीं करता हूँ। मैं आप देख रहे हैं, मैं खुद एक आदमी हूँ, दो आदमी मेरे भाई है, और हम खुद घर घर जाके कहते हैं कि मैं सेना में था और सेना से आके आपका सेवा करने आया हूँ। तो लोग विश्वास जिताते हैं, जीत हार रही तो वो तो बात की बात है, पर लड़ना हमारा काम है, सेना धर्म है लड़ना, जीत हार का मतलब। मुझे तो नहीं लगता है कि इन दिग्गजों के बीच आप जीत पाएंगे, लेकिन आपको उम्मीद है तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि आप जीत पाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति आप जानते होंगे। सबसे पहले मेरा काम होगा शिक्षा को उजागर करना। शिक्षित बेरोजगार पढ़ लिख के रोड पर टहल रहे हैं, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। क्या कर पाएंगे उनके लिए? आप उनके लिए आवाज उठाएंगे विधानसभा में जाके कि हमारे बिहार में रोजगार उपलब्ध हो, जो हमारे बिहार भाई, बिहार के जो वासी हैं, जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं, उनके लिए रोजगार हो। आज हेलीकॉप्टर से लोग दौरा करते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से दौरा करते हैं। उस दिन कहाँ गए थे जब हमारे बिहारी भाई लोग ट्रेन से कट के बिहार आए थे, भूखे आए थे, एक बच्चिया अपने पिता को साइकिल पर लेके आए थे, बाहर बिहार लेके आए थे, उस दिन कहाँ थे ये लोग? आज हुजूम लेकर चलते हैं, लाखों रुपए छींटे रोड पे, उस दिन कहाँ थे? गरीब को भूखे मर रहे थे जब बाढ़ आया था, कोई देखने को मिला नहीं था, उस दिन कहाँ थे ये लोग? उन जनता उनसे पूछेगी ये सवाल, और जनता जवाब देगी इसका वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से, कि जिस दिन हमें जब मुसीबत में था तो कोई नहीं आया था, बबलू गुप्ता आया था, जिसके सैनिक आया था, यही मैं चाहता हूँ। तो शिक्षित बेरोजगार आपसे कुछ उम्मीद करें? बिल्कुल उम्मीद करें, क्यों लोग करें, हम उनका आवाज उठाएंगे। फौजी है, हमें किसी के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं कि मैं ईमानदार हूँ, छाती ठोक के बोल सकता हूँ हजार आदमी के बीच में कि मैं काम कर सकता हूँ, देश सेवा किया हूँ, समाज सेवा करूँगा। हमारे समाज के बच्चे शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए भी आपका कुछ फोकस होगा, बच्चों के लिए भी? बिल्कुल, जितने भी देखिए, मधुबनी जिला में डीबी कॉलेज एक ही है जो सरकारी टाइप का इतना बड़ा कॉलेज है, उसका हालत देख रहे हैं कितना झज्जर हो गया है, अगर जाके देखिए दीवारें गिरेगी, छतें गिर रहा है, विद्यार्थी दूर टीचर भी नहीं वहाँ आते, क्या है हमारा शिक्षा का स्तर? उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसका क्या काम है? जाके विधानसभा में बैठना काम नहीं है, जनता का क्या मुद्दा है उसका आवाज़ उठाना है। नेता लोग जितना पार्टी को मानता है उसे आधा भी जनता को माने तो जनता उसको हाथ पर रखेगी और जनता को देखती नहीं। तो हमारी आपकी बातचीत यहाँ हो रही है, हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप अपने वादों पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहता हूँ कि मैं वादा नहीं करता, मैं कहता फौजी हूँ, यदि आप फौजी पे भरोसा है, 1% भरोसा है तो मुझ पर विश्वास करके देखिए, मैं कहीं ना कहीं आपको खड़ा पक्का मिल पाऊंगा। जी धन्यवाद।